Hi guys, so I have a really exciting news to share with you guys. तो जो भी अभी 10th से 11th में गए हैं या फिर 11th से 12th में जा रहे हैं, अगर आप लोग एक JEE aspirant हो या फिर एक NEET aspirant हो, ये सुन लो because this is going to help you a lot. तो Unacademy ना लेकर आया है एक लर्निंग फेस्टिवल जिसमें 7 days तक के लिए guys, 1 week के लिए आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है Unacademy के ऐप पर. बी एड कोर्सेज, बैचेस, स्टडी मटीरियल, लाइव क्लासेस, MCQs, etc. तो guys, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस Unacademy का ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर अपना नंबर डालकर उधर OTP डालना है. जो कोड आपको उसका नाम मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी और बस आपका फ्री ट्रायल एक्टिव हो जाएगा गाइस. तो फटाफट से जाओ Unacademy पर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है गाइस, तो वहां से आप लोग जाके यूज कर सकते हो. कोड यूज करना मत भूलना और चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज दिया. ओके, टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एज वेल. बिकॉज़ बताती हूं, एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि आज मेरा सेकेंड लास्ट बोर्ड एग्जाम है. ठीक है, जो 9th वाले देख रहे हैं, 8th वाले देख रहे हैं, उनको मेरा बोल रही हूँ. जो 10th वाले देख रहे हैं, हमारा बोल देती हूँ. ठीक है, तो हमारा सेकेंड लास्ट बोर्ड एग्जाम है मैथ्स का. ठीक है, द थिंग इज कि गाइज देखो, मैथ्स का जो पेपर है ना, आई वॉज लाइक मैथ्स का पेपर हो जाए नो टेंशन, क्योंकि उसके बाद गाइज AI है, मेरा AI है, मेरे पास AI है. जिसके पास AI है उसका AI, जिसके पास IT है उसका IT. ठीक है, एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज ये सोचा था कि मैं अच्छा खासा टाइम आज पढ़ने वाली हूँ बैठकर. इट इज़ करेंटली 3:30 AM. ठीक है, मैं 12 AM से 3 AM तक पढ़ी हूँ. ठीक है, अभी 3:30 हो रहे हैं बिकॉज आई हैड वाटर, आई वॉश्ड माई हैंड्स, क्योंकि मैं चाय वगैरह पी रही थी और साथ में चिप्स भी खा रही थी इन माई ब्रेक टाइम. उसके बाद आई ऑल्सो हैड टू एडिट अ शॉर्ट वीडियो दैट आई हैव टू अपलोड टूडे, तो दैट आई एडिटेड. नाउ आई विल स्लीप. और गाइस, मुझे पता है कितने बजे उठना है. सुबह मुझे उठना है 6:30 AM को. ठीक है, बिकॉज आई हैव टू डू रिविजन फिर से, जो भी मेरे को फार्मूलाज वगैरह, बिकॉज मुझे फार्मूलाज वगैरह याद करने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं. मैं सब पूरी लिस्ट बना के सोई हूँ, मुझे सुबह उठ के क्या करना है, क्या मेरा कच्चा पक्का जो थोड़ा बहुत है, जो वहाँ जाके बिल्कुल कच्चा ना रहे, सब कुछ पक्का रहे. तो बस एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी सुबह उठ के देखना है. जो भी लिस्ट है मैंने पूरी बना ली, हर एक चैप्टर में से क्या क्या मुझे ध्यान देना है फिर से. तो मैं 6:30 उठूंगी, 9:45 को हम सेंटर के लिए निकलेंगे. और यार, सेकेंड लास्ट बोर्ड एग्जाम कब आ गया पता भी नहीं चला, इतने सारे चारों पेपर हो गए, पांचवा है. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड, जैसे ही पेपर खत्म होता है आई विल बी वेरी रिलीव्ड. और अभी मैं सो रही हूँ. द थिंग इज कि मैं अपने रूम में जाके नहीं सो रही हूँ अभी. पता है क्यों? क्योंकि वहाँ जाके मैं सोने का रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज मेरी आँख नहीं खुलेगी. मुझे पता है खुल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन में भी तो हूँ कि उठना है तो वैसे खुल जाएगी. बट अगर मैं सोफे पे सोऊंगी ना इधर, तो ज़्यादा जल्दी आँख खुलेगी. तो मैं इधर सो रही हूँ ड्राइंग रूम में ही. सोफ़ा इज़ क्वाइट ऐसा कि हाँ, सो सकता है एक बंदा आराम से. तो यहीं पर मैं सोऊंगी और मेरी आँख भी जल्दी खुल जाएगी सुबह सुबह. एंड प्लस वन मोर थिंग गाइज, इधर सोऊंगी तो जल्दी उठूंगी. और दूसरी चीज़ ये है कि जल्दी उठूंगी तो जल्दी जल्दी अपना रिविजन कर सकती हूँ, अपना जो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करें उनको फिर से प्रैक्टिस कर सकती हूँ. तो ये बेनिफिट है मेरा एक. तो अब मैं फटाफट से सोऊंगी, अब बिल्कुल बात नहीं करूँगी, फटाफट से सोऊंगी अब. ठीक है, आई विल ड्रिंक वाटर, या आई हैव माई बॉटल. सो आई विल स्लीप नाउ. ये नहीं, मेरी बॉटल हमेशा अपने साथ ही रखती हूँ गाइस मैं, बिकॉज आई लाइक स्टेइंग हाइड्रेटेड. So yeah, let's go sleep and wish me luck guys. I'll see you guys tomorrow morning. Good night, good night. Hello guys, update. ठीक है, मैं अभी कब से सोने का ट्राई कर रही थी. सोफे पे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही सोफे पे, इसलिए मैं अभी अपने रूम में जाके सो रही हूँ. मैं और रिस्क नहीं ले सकती इधर सोने का, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं. मैं आधे घंटे से सोने का ट्राई कर रही हूँ, मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही. सो आई गो स्लीप इन माई रूम. और क्योंकि मुझे सुबह 6:30 उठना भी है, आई के नॉट टेक एनी मोर रिस्क. 4 बज चुके हैं, मुश्किल से 2.5 hours की नींद लूंगी. बट मुझे अपने माइंड को रेस्ट देना है, इसलिए मैं अभी जाके अंदर सो रही हूँ. आई ट्राइड, मुझे लगा जल्दी उठ जाऊंगी, लेकिन अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, अलार्म लगाने का. ठीक है, तो मैंने अपना फोन भी चार्ज कर लिया. मैं अपने फोन में अलार्म लगाऊंगी 6:30 का, 6:35 का, 6:40 का, 6:45, 7:15 का, ऐसे ऐसे लगाऊंगी. और तो मैं पहले दूसरे में उठ ही जाऊंगी, पर स्टिल रिस्क नहीं लेना. और उसके बाद उठते के साथ ही रिविजन करना है. उसके बाद 9:45 सेंटर के लिए निकलना है. तो लेट्स गो स्लीप और आई विल सी यू गाइज, आई विल मीट यू गाइज आफ्टर 2 hours या 2.5 hours, जब भी मैं उठती हूँ. 2 घंटे में उठना है यार, तो तब मिलती हूँ उठने के बाद. ओके, गुड नाइट. गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ चुकी हूँ मैम. 7 बज रहे हैं, 6:30 सोचा था, 7 बजे उठ रही हूँ. कोई बात नहीं, लेट सोई थी, कोई दिक्कत नहीं है. प्रैक्टिस करके सोई थी. ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ये टेबल देख रही हूँ, इसको लर्न कर रही हूँ बस. एंड या
This is what I'm doing, going through this table. हाय गाइस, तो अगला दिन लग चुका है और कल मेरा लास्ट पेपर है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और यहाँ पे मम्मा और मौसी है, तो मेरी मौसी आई हुई है चेन्नई से. कुछ बोलो. और यहाँ ये आलू की सब्जी कचौड़ी हमने मंगाई, ये आलू की सब्जी कचौड़ी मंगाई है हमने कामना मौसी के लिए, सबके लिए, सब खाएंगे. और कामना मौसी ने हमारे लिए पिज्जा मंगाया, मतलब बच्चों के लिए, कि सब बच्चे खा रहे हैं. तो बस ऐसे मिलजुल के थोड़ा बहुत कुछ पेट भर रहे हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं. ओके, मैं देखती हूँ. घर का खाना खा रहे हैं इतने दिनों से, तो आज से थोड़ा चेंज हो जाए. चीट डे, चीट मील हो जाए. मेरा तो रोज ही चीट मील होता है. रोज चीट मील होता है. इट्स करंटली 4 PM एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी रिंग लाइट खरीदने. मैं 12 बजे उठी थी बिकॉज मेरी नींद मैंने पूरी ली नहीं थी. मैं अपने मैथ्स के पेपर वाले दिन ना 5 बजे सोई थी और 7 बजे उठ गई थी पेपर देने के लिए. फिर उसके बाद उठ के भी प्रैक्टिस करी थी. तो अब मैंने पूरी नींद ली, आज मैं 12 बजे उठी हूँ दोपहर में. और अब मैं जा रही हूँ अपनी रिंग लाइट खरीदने. इट इज करंटली 4 PM. मेरी जो पुरानी वाली रिंग लाइट थी गाइज, इससे अपने जस्ट ही ली थी, कुछ ही महीने हुए थे गाइज, वो वाली रिंग लाइट खराब हो गई. आई डोंट नो हाउ, जहाँ पे आप अपना फोन सेट करते हो ना ट्राईपॉड में, वो ट्राईपॉड भी खराब हो गया. वो जो था ऊपर जहाँ फोन लगा तो वो भी टूट गया. तो अब मैं जा रही हूँ अपनी नई रिंग लाइट लेने. अभी हमने अंकल से कॉल बात करी है, हमने मॉडल्स पूछे हैं. मेरे घर के पास मेरी शॉप है, तो मैं शॉप पे जा रही हूँ अभी लेने. और हमने अंकल से कॉल पे ऑलरेडी बात कर ली है अबाउट द मॉडल्स. अब जाके मैं देखती हूँ मुझे कौन सी लेनी है, कौन सी सही मुझे चाहिए, कौन सी सही बैठेगी. सो आई विल गो एंड बाय माई रिंग लाइट, क्योंकि कल मेरा AI का लास्ट पेपर है. आखिर मुझे AI भी पढ़ना है. मैं चाहती हूँ कल मैं पूरा टाइम अपना वीडियो को दूँ, जो मेरे को कुछ वीडियोस जो है शूट करनी है. तो इसलिए बाकी आई फटाफट से गो गेट माय रिंग लाइट और उसके बाद आने के बाद मैं AI पढ़ने बैठूंगी. लेट्स गो. क्योंकि लाइट ऐसा ना होना कि बहुत ही हल्की सी निकले. बिकॉज यहाँ पे ना लाइट नहीं आ रही, इधर लाइट है ना. हाँ, परफेक्ट. हाय गाइस, सो आई एम बैक. मैं अभी जस्ट आई हूँ अपनी रिंग लाइट लेकर. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रिंग लाइट के बिना मेरा काम, मतलब जो कुछ जरूरी जरूरी वीडियो है जो ऑलरेडी शूट कर, जो मुझे शूट करनी है जरूरी वीडियोज, उन वो शूट नहीं मैं कर पा रही थी बिकॉज आई डू नॉट हैव माई रिंग लाइट. एंड मेरी रूम की लाइट इज नॉट इनफ टू फॉर मी टू फिल्म अ यूट्यूब वीडियो. राइट, आई हैव गॉट. मैंने ये वाली खरीदी थी इससे पहले भी जो खराब हो गई, एंड आई डोंट नो व्हाई. अब जहां से मैं ये लेकर आई हूँ वहां से मैंने अंकल से बात करी कि कोई गारंटी वगैरह कुछ है इसकी, तो कहते हैं हाँ 6 मंथ्स की गारंटी है. देन इट्स वेरी गुड. तो बिकॉज वो वाली में आई डोंट नो क्या गारंटी थी नहीं थी क्या था, बट वो वाली बहुत जल्दी खराब हो गई. तो अब मैं ये वाली लाई हूँ. वो तो मतलब लाते ही दूसरे दिन ही खराब हो गई थी. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इसको खोलूंगी. ओके, तो अब हम इसको निकालेंगे. गाइस, आई थिंक मुझे जिम जाने की जरूरत है. मैं जिम जाना चाहती हूँ. आउच, शुड आई गो टू जिम? प्लीज टेल मी गाइस. टाइट है, टाइट. ओह ओके, फाइनली. सो दिस इज द रिंग लाइट गाइस. ये रही, ये तो मतलब मेरी फेवरेट है. डिजिटल की लाइट मुझे अच्छी लगती है. सो आई एम ओपनिंग द लाइट. यप, ओपन्ड. वाह, जस्ट लुक एट इट गाइस. देखो एक बारी, ये देखो, हैव अ लुक गाइस. हाँ, और उसके साथ में एक स्टैंड भी लेकर आई थी उसका, विच आई विल शो यू गाइस अभी. स्टैंड भी खा लेती हूँ. हियर इज द स्टैंड गाइस. ये रहा स्टैंड ब्लैक. वो वाला ट्रैपॉड है, बट वो मैं इधर से उधर कर सकती हूँ इजीली. यू नो इट्स नॉट फॉर एव, ऐसा बहुत भारी ट्रैपॉड नहीं है. इट्स वेरी लाइट बट इट्स वेरी गुड. मैं एक वीडियो में ही लिया था वो भी, बट वो बहुत अच्छा चल रहा है. इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम. बाकी ये वाला जो ट्रैपॉड है ये मुझे लेना ही था, और प्लस सेट में मुझे साथ में मिल रहा था, तो मैं क्यों नहीं लेती. मेरे को हर जगह ट्रैपॉड की जरूरत पड़ती रहती है. तो ये रहा ट्रैपॉड, और अब हम इसको फिट करेंगे. लेट्स ओपन इट अप. मैंने भी हमने लिया है. सो अंकल ने मुझे सिखाया था, मैं वैसे ही लगाऊंगी. परफेक्ट, लग चुका है ये, डन. तो रिंग लाइट गाइस मैं लगा चुकी हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट आई है. चलो अभी फटाफट वीडियो बंद करते, ज्यादा लंबी बन गई. देखो जरा सब कुछ कैसे इधर उधर पड़ा हुआ है. हैव अ लुक गाइस. सब कुछ मैंने रिंग लाइट आते ही उधर रख दिया, रिंग लाइट का बॉक्स. एंड यहाँ पे मैंने रिंग लाइट सेट भी कर दी अपनी अच्छे से.
So yes, and one more thing, guys. Am I visible, guys? Please मुझे बताना क्या मैं दिख रही हूँ तुम लोगों को या मेरा सिर्फ हाथ दिख रहा है? I don't know. Okay, guys. So I'm in my room right now. और कल AI का पेपर है. पूरा दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी AI की. प्लीज़ आपको कोई बताना कि लास्ट वाला जो एडिशनल एग्जाम है उसको किस किसने लाइट ली है, क्योंकि मैंने पूरा दिन AI नहीं पढ़ी. मैं पूरा दिन मैंने मस्ती करी है. और मौसी भी आई हुई थी आज, तो मौसी के साथ बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे. बाकी आई चिल, क्योंकि यार मेरे को पता ही आएगा तो मेरा पेपर हो जाएगा अच्छा. या ट्रू दुख. हाय गाइस, आई एम इन माय किचन. जैसे मैंने अभी अंदर बताया आप लोगों को कि मैंने डिनर कर लिया है. कोई मुझे जज नहीं करेगा, ठीक है? कोई जज नहीं करेगा, ठीक है? मैं डिनर कर चुकी हूँ. अब मैं वाई वाई खा रही हूँ. इट इज़ करंटली 12 AM. 12 बजे मैं अपने किचन में खड़ी होकर मैगी बना रही हूँ, ठीक है? मैगी नहीं, वाई वाई बना रही हूँ. और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, पैक ऑफ सिक्स था ये समथिंग. तो उसमें क्या आती है, उसमें 6 आई थी. तो मैं ये इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, जैसे कभी बहुत मन हो रहा है ना, या रात हो रही है, डिनर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तब मैं क्या खाऊँ फिर, तब मैं ये खा सकती हूँ. तो अभी यही है कि अभी मैं ये खाऊंगी और इसको खाने के बाद मैं अपना AI का रिविजन करूंगी, क्योंकि पूरा दिन भर मुझे रही है गिल्ट, ठीक है? अब दिन भर नहीं, अभी दिन खत्म होने पे मुझे गिल्ट हो रही है. बताओ, अगला दिन लग चुका है, मतलब जिस दिन मेरा एग्जाम है उसी दिन मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ. पर अभी मैं तैयारी करूंगी खाने के बाद AI की, उसके बाद मैं सीधा सो जाऊंगी. सुबह उठ के अपना बोर्ड का पेपर देने जाऊंगी, वहां से आके बताऊंगी कैसा गया. उसके बाद हम खुशियां मनाएंगे, बोर्ड खत्म. हैबिट, पेट भरती हूँ क्योंकि डिनर में कर चुकी हूँ. अब बच्चा यही है एक ऑप्शन जिससे पेट भरेगा, क्योंकि लेट तक जगते हैं तो भूख तो लगती है. लोग क्या करते हैं, डिनर करके सो जाते हैं. मैं क्या करती हूँ, डिनर करके 4-4 बजे तक जगती हूँ. ये तो ज़्यादा ही बोल दिया, डिनर करके 12-12 बजे तक जगती हूँ, 1-1 बजे तक. तो उससे क्या होता है, भूख लगती है. उसके लिए मर्जी के लिए वाई वाई है. कल मम्मा से डांट खाऊंगी. दिस लुक्स डिलिशियस गाइज, इतनी टेस्टी लग रही है. लेट्स गो हैव इट. इतनी तो लाइट लग भी नहीं रही गाइज, थोड़ी सी ब्राउनिश है, बट आई डोंट नो कैमरा में क्यों थोड़ी लाइट लग रही है मैगी. वाई वाई, तो चलो टर्न ऑफ द लाइट्स एंड लेट्स गो. बोर्ड एग्जाम खत्म, मैं चिल करूंगी. अब डीए हो गई फ्री. अब आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? क्या बात, पूरे साल तो आपने चिल किया है. बाबा चूरा, रुको 1 सेकंड, रुको. सारी स्क्रिप्टेड वाला कर दो, आपको फन लगे. अच्छा, एग्जाम देके आ रही हूं. हां मम्मा, मेरा एग्जाम हो गया. हो गया? हाँ. कैसा हुआ? अच्छा हुआ है, सारे तुम्हारे एग्जाम डेट के हैं. आज डेट, अभी अगला एग्जाम है आज. मम्मा दिया, साइंस का एग्जाम है, पढ़ ले आप साइंस के एग्जाम की तैयारी. साइंस का एग्जाम नहीं है. हो गया, एग्जाम तो खत्म हो रही थी 13th को. मम्मा 13th मम्मा मेरा एग्जाम खत्म हो गया. आपको कैसा फील हो रहा है? सारे बोर्ड एग्जाम हाँ रही हूँ. अब मैं कहीं ना कहीं जा सकती हूँ आराम से. तो आज दिया के एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैंने बनाया इसका फेवरेट वन एंड ओनली वन चना जोर. सिखाओ चना जोर. अभी अभी तो डाला ही नहीं है अंदर मैंने चना जोर. नहीं मतलब वो उसकी तैयारी कर दी ना मैंने. अब तेरे को कितना डालना है? गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए. लेट्स हैव चना जोर. नींबू सब डाल दिए. Hi guys, I was just watching my reaction वाली वीडियो जो मैं स्कूल से आते के साथ ही एकदम सभी कूदी थी. आप लोग देख चुके ऑलरेडी, अभी जस्ट इससे पहले आपने देखी होगी कि मैं एक्साइटेड हो गई थी. बोला मम्मा मेरा एग्जाम अभी है साइंस का, फिर एकदम से बोली नहीं है बोर्ड एग्जाम खत्म. तो हाँ, वो वाली वीडियो आप लोगों ने मेरी देख ली होगी. बाकी वही वीडियो में मैं देख रही थी, एडिट करते रहे. मैंने वाज़ लाइक यार ये खुशी, आई थिंक ये सब, ये जो खुशी है ना, ये बोर्ड खत्म होनी, सब डिजर्व करते हैं. पता है क्यों? सी यार, खुशी तो लगती है, बाकी 10th क्लास ने क्लास नहीं, इमोशन है. तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार 10th हो गई है. थोड़ा कभी कभी ऐसा भी लगता है, हाँ वी हैव यू नो लर्न सो मेनी थिंग्स इन 10th. बाकी कितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, कितना कुछ किया है, कितना एक्साइटिंग होता है जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरानी वो वाली बातें भी आ जाती है, जब हम जस्ट 10th में आए थे, सोचते थे बोर्ड्स कैसे होंगे, क्या होगा. फाइनली बोर्ड्स दे दी, अच्छा फील हो रहा है, एकदम ऐसा हल्का फील हो रहा है अंदर से. बट देन अगेन वो चीजें भी याद भी आ रही है कि हाँ 10th में आके कितना वो हुआ था, कि शुरू शुरू में लगता था, बट देन हमने मेहनत करी है. और फिर सारी मेहनत ना वो गाइस आंखों के सामने आ रही है, जो मेहनत करी थी ना. बाकी इट्स बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी. एंड प्लीज मुझे बताना आप लोग क्या फील कर रहे हो इस टाइम, एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है. प्लस आप लोगों के हॉलीडे प्लान्स क्या है, क्योंकि समर वेकेशंस पड़ गई हैं. तो आप लोग मुझे बताना आपके प्लान्स क्या हैं. बाकी यस, वेट फॉर माय वीडियोस. मैं वीडियोस लाती रहूंगी, ऑब्वियसली रेगुलर वीडियोस मेरी आएंगी, रेगुलर वीडियोस आएंगी, बिकॉज बोर्ड्स खत्म तो नाउ आई गॉट टाइम टू फिल्म. सो यस, आई विल ब्रिंग रेगुलर वीडियोस फॉर यू गाइज फ्रॉम नाउ ऑन. और ऑल्सो गाइज मेरी शॉर्ट्स तो रेगुलरली आती रहती हैं, तो वो आप लोग देखते रहना. शॉर्ट्स में अपनी लाइफ शेयर करती रहती हूँ तुम लोगों को, मैं मिनी मिनी अपडेट्स देती रहती हूँ. सो गो एंड वॉच माई शॉर्ट्स एज वेल. आई लव यू गाइज सो मच. टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू गाइज आर न्यू. एंड यस, आई लव यू ऑल.
सो मच एंड या एंजॉय करो यार, टेंशन मत लेना रिजल्ट की, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोई टेंशन मत लेना। बाकी अब जो हो गया वो हो गया, अच्छे पेपर दिए हैं, मिड पेपर दिए हैं, परफेक्ट, तो मैं बहुत अच्छे नंबर आएंगे मैं। सो यस, टेंशन मत लेना गाइस, आई लव यू ऑल सो मच, एंजॉय करो, छुट्टियां मिली हैं, आई लव यू ऑल सो मच, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बाय।